गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है एंड स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट का ऑपरेशन डिस्कस कर रहे थे। उसमें सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे हम गेट वोल्टेज अप्लाई करके, गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करके किस तरह से हम चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां पे हमने देखा था कि गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, तो तुम्हारा चैनल अवेलेबल रहेगा, मीनिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रेन करंट यहाँ पे फ्लो हो रही। वो ड्रेन करंट फ्लो कब होना स्टार्ट होगी? जब हम चैनल क्रिएट करने के बाद, चैनल क्रिएट करने के बाद यहाँ ड्रेन की साइड पे, ड्रेन टू सोर्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल कराएंगे। अगर हमने यहाँ ड्रेन और सोर्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तब यहाँ पे तुम्हारी करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। ठीक, तो पहला पॉइंट हमने क्या समझा कि भाई गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा रखेंगे तो आपका एक प्रॉपर चैनल क्रिएट होगा, मीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्यूमुलेट होने चाहिए यहाँ पे वो अप्रोप्रिएट होंगे ताकि तुम्हारे करंट यहाँ से फ्लो हो सके। मीनिंग हमने कंडीशन क्रिएट कर दी कि हाँ ठीक है, चैनल क्रिएटेड है। अब अगर सोर्स साइड से जो मेजोरिटी कैरियर है वो चाहे तो इधर मूव कर सकते हैं, बट क्या यहाँ पे ये जो सोर्स में जो मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है इनको मूव कराने के लिए हमने कोई इनको एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई किया? तो ऐसा कोई फोर्स हमने अप्लाई नहीं किया, हमने सिंपल गेट और सोर्स के बीच में ये वोल्टेज अप्लाई किया, उसकी वजह से यहाँ पे ये चैनल क्रिएट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर ड्रेन और सोर्स के बीच में, ड्रेन और सोर्स के बीच में हम जितनी बार भी बोल रहे हैं ड्रेन और सोर्स के बीच में, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, देखो सोर्स को भी हमने ग्राउंड किया हुआ और इधर इसका दूसरा टर्मिनल जो है पोटेंशियल जो हमने बैटरी लगाई है ये VDS वोल्टेज की, ठीक, इसका दूसरा टर्मिनल भी ग्राउंड है, मीनिंग ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों एक ही जगह पे कनेक्टेड है। अब क्या होगा जब तुमने ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया, अब अगर ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कुछ इस तरह से हो कि ड्रेन की साइड पे वोल्टेज हाई और सोर्स की साइड पे वोल्टेज लो, ठीक, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया वो कुछ इस तरीके से हो कि ड्रेन की साइड पे हमारा हाई वोल्टेज अप्लाई हुआ हो और सोर्स की साइड पे लो वोल्टेज आपने अप्लाई किया, तो उस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रेन की साइड पे तुम्हारे अट्रैक्ट होंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे मेजॉरिटी कह रहे हैं सोर्स के वो इधर की ओर अट्रैक्ट होंगे और ऐसे मूव करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, और उसकी वजह से एक करंट यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट करेगी जिसको हमने नाम दिया है ड्रेन करंट। ये कब हुआ है, जब हमने एक स्मॉल VDS अप्लाई की है, अप्लाई स्मॉल VDS, ठीक, जब हमने एक स्मॉल VDS अप्लाई किया है तब यहां पे तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर साइड से इधर साइड की ओर मूव करना स्टार्ट, ठीक। अब देखो
यहाँ पे हमने कहा कि ड्रेन साइड का वोल्टेज हाई होना चाहिए, सोर्स साइड का लो होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन से ड्रेन की तरफ मूव करेंगे, ठीक। दैट मीन्स ये जो VDS वोल्टेज हमने दिया यहाँ के केस में, यानी एन चैनल के केस में, ये VDS पॉजिटिव होना चाहिए, ये VDS पॉजिटिव होना चाहिए। वहीं अगर ये पी चैनल होता, ठीक है, तब हम देखते कि ये VDS जो है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है, वो नेगेटिव आता, क्योंकि तब हमें क्या करना होता, होल्स को सोर्स से ड्रेन की तरफ भेजना होता, और जब होल्स को इधर की ओर अट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स तब क्या हमें कंडीशन रखनी पड़ती, सोर्स जो होता वो हाई वोल्टेज पे होता और ड्रेन लो वोल्टेज पे, ठीक। तो अभी हम एन चैनल की बात करें, तो एन चैनल के केस में जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो कैसा है, पॉजिटिव वोल्टेज है, मीनिंग ड्रेन साइड पे तुम्हारा हाई वोल्टेज अप्लाइड है, सोर्स साइड पे लो वोल्टेज अप्लाइड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर मूव कर रहे हैं और एक ड्रेन करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो ये जब हमने स्मॉल VDS अप्लाई किया है, तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि ये जो ड्रेन करंट है ये हमारी प्रोपोर्शनल है VDS के, मीनिंग जैसे जैसे हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर की ओर अट्रैक्ट होंगे, और जो करंट ID है, जो तुम्हारी ड्रेन करंट है, वो तुम्हारी क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी। एट द सेम टाइम अगर हम, मतलब हमने क्या किया, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इन, तो हमने कुछ लेस से 50 mV रखा, ठीक है, और उसी समय पे जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो अगर हमने इंक्रीज किया, मतलब हमने VDS कांस्टेंट कर दिया और उस समय हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया, पहले मान लो 5 वोल्ट था, अब हमने उसको 6 वोल्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस चैनल में जो इंड्यूस्ड फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस चैनल में जो इंड्यूस्ड फ्री इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे, मीनिंग यहाँ जैसे तुमने गेट पे वोल्टेज बढ़ाया, पॉजिटिव वोल्टेज और इंक्रीज किया, तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से अट्रैक्ट होंगे, और इस चैनल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, मीनिंग जो ये चैनल है इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हुए, दैट मींस इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, जब कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो मीनिंग ये ID जो है, ड्रेन करंट जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो लास्ट एट लास्ट हो क्या रहा है, हमारी ड्रेन करंट इंक्रीज हो रही है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारी ड्रेन करंट इस गेट टू सोर्स वोल्टेज के भी प्रोपोर्शनल है, कि जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो भी ड्रेन करंट इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये दोनों केसेस इनहेंसमेंट टाइप में हो रहे हैं अभी, ठीक है। इनहेंसमेंट टाइप में जब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो तो ड्रेन करंट इंक्रीज हो रही है, और इसी वजह से ये जो मोड कहलाता है जिसमें ये इनहेंसमेंट टाइप MOSFET वर्क कर रहा है, मोड ऑफ ऑपरेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं इनहेंसमेंट मोड, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, इनहेंसमेंट टाइप मतलब तुम्हारा चैनल अवेलेबल नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग चैनल तुम्हारा नहीं है, चैनल जो आएगा वो इंड्यूस्ड चैनल होगा ड्यू टू गेट वोल्टेज, और इनहेंसमेंट मोड का मतलब क्या है कि आप जब गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, बेसिकली अगर मोर स्पेसिफिकली कहें तो मॉड ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज, VGS के मॉड हो, ठीक है, मीनिंग फर्क नहीं पड़ता यहाँ नेगेटिवली VGS इंक्रीज हो रहा है या पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है, ठीक। मॉड ऑफ VGS को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं और उस मॉड ऑफ VGS को इंक्रीज करने के साथ आपकी ड्रेन करंट भी अगर इंक्रीज हो रही है, तो आप उस मोड ऑफ ऑपरेशन को क्या कहोगे, इनहेंसमेंट मोड, ठीक है। मीनिंग हम ये कहेंगे कि भाई इनहेंसमेंट टाइप MOSFET जो है इस टाइम पे इनहेंसमेंट मोड में काम, दूसरा एक और मोड है डिप्लीशन मोड, ठीक। डिप्लीशन मोड में क्या होगा,
कि तुम्हारी जो करंट आईडी है, जो ये ड्रेन करंट है, जब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो ये ड्रेन करंट डिक्रीज होगी। ठीक, वो अलग बात है कि जब आप एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की बात करते हो तो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में ये वाला मोड ऑफ ऑपरेशन नहीं वर्क करता है। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में डिप्लीशन मोड का ऑपरेशन वर्क नहीं करता है। अभी जब डिप्लीशन टाइप मॉसफेट देखेंगे तो वहां पे क्लियर होगा कि कैसे ये डिप्लीशन मोड में करंट जो है, ड्रेन करंट जो है, कैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज के साथ डिक्रीज हो रही है। ठीक, तो यहाँ एक पॉइंट क्या देखा हमने कि दो टाइप के मोड में काम कर सकता है मॉसफेट। ठीक, एक डिप्लीशन मोड, एक एनहांसमेंट मोड। एनहांसमेंट मोड में क्या होता है, आप जब गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो ड्रेन करंट इंक्रीज होगी। डिप्लीशन मोड में क्या होता है, जब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज होगी। मीनिंग वहां डिप्लीशन मोड में जो ड्रेन करंट होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी गेट टू सोर्स वोल्टेज के। ठीक, एक पॉइंट ये देखा हमने, और दूसरा पॉइंट क्या देखा कि जब हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को एन चैनल के केस में ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जब हम पॉजिटिव देते हैं तो हमारी करंट क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे तो हमारी करंट ड्रेन टू सोर्स साइड में फ्लो होना स्टार्ट करती है जब हम ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने स्मॉल वोल्टेज दिया है, उस टाइम पे जब हम ये स्मॉल वोल्टेज देते हैं उस टाइम पे एक चीज और है, ये जो चैनल है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीनिंग अगर सोर्स साइड पे देखो या ड्रेन साइड पे देखो, कहीं पर भी इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीनिंग जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यहाँ होगा वो हर पॉइंट पे इक्वल इक्वल होगा, चाहे वो सोर्स की साइड पे, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, तुम्हारा जो कंसंट्रेशन होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कब, जब आपने स्मॉल VDS दिया। ठीक, अब एक और चीज देखो, यहाँ पे आईडी जो ये ड्रेन करंट है बेसिकली गेट टू सोर्स वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें तो हमने एक बार पढ़ी कि जब गेट टू सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज की। ठीक, या ये कहें कि जब गेट टू सोर्स वोल्टेज एक्जेक्टली इक्वल टू होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज के, तब एक प्रॉपर चैनल इंड्यूस्ड होगा। मतलब ये वो कंडीशन है कि इस कंडीशन पे ही तुम्हारा चैनल इंड्यूस्ड होगा। एनहांसमेंट टाइप का जो मॉसफेट है, जब तक गेट टू सोर्स वोल्टेज इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाता तब तक वहां पे करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं। तो अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो आईडी जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है VGS माइनस VT के। क्यों? क्योंकि गेट टू सोर्स, मान लो पहले हमने कहा कि गेट जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है। ठीक, इनिशियली हमारा VGS जो था वो ऐसे हम इंक्रीज कर रहे थे, पहले हमने 0 वोल्ट रखा, कोई चैनल क्रिएटेड नहीं है। ठीक, 1 वोल्ट रखा, तुम्हारा चैनल जस्ट क्रिएट हुआ है, तो 0 से 1 के बीच में जितना भी वोल्टेज, मतलब जो भी रेंज आई 0.1, 0.2, 0.3, उस टाइम पे तुम्हारी जो ड्रेन करंट है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, वो ऐसा नहीं है कि वो इंक्रीज कर रही, क्योंकि उस टाइम तक तो चैनल ही क्रिएट नहीं हुआ है, तो जब चैनल नहीं है तो ड्रेन करंट की कोई बात ही नहीं होगी। हाँ, जब इस 1 वोल्ट से, इस 1 वोल्ट से आप जितना भी आगे बढ़ोगे, 2, 3, 2.5, जितना भी वोल्टेज आगे बढ़ाओगे, अब फर्दर जब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज आगे बढ़ाओगे तो आपकी ड्रेन करंट इंक्रीज होगी। तो मोर स्पेसिफिकली अगर कहें तो ड्रेन करंट बेसिकली इस VGS माइनस VT
इस वैल्यू पे डिपेंड करती है, ठीक है, VGS माइनस VT के प्रोपोर्शनल होती है। और ये जो वैल्यू है VGS माइनस VT, इसको हम बेसिकली बोलते हैं ओवरड्राइव वोल्टेज, इसको हम बेसिकली बोलते हैं ओवरड्राइव वोल्टेज। अभी इसका भी स्पेसिफिक क्लियर होगा कि क्यों हम VGS माइनस VT को यहां पे लेके आए हैं, लेकिन अभी हमको ये याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं ओवरड्राइव वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज। ठीक, अब अगर हम ग्राफ क्रिएट करने की कोशिश करें ड्रेन करंट और गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में, ठीक है, आईडी एंड वीजीएस के बीच में, तो याद है जब तक थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं आया था तब तक यहां पे कोई चैनल नहीं था और आईडी ऑलमोस्ट जीरो थी, जो ड्रेन करंट थी वो ऑलमोस्ट जीरो थी, दैट इज गेट टू सोर्स वोल्टेज की अगर हमने ये यहां पे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT शो करें तो टिल दिस वोल्टेज ड्रेन करंट ऐसे जीरो दिखाई दे, ठीक। जैसे ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज को पार किया इस गेट टू सोर्स वोल्टेज को, गेट टू सोर्स वोल्टेज ने तुम्हारी जो ड्रेन करंट है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज के साथ इंक्रीज करेगी, और ये जो इंक्रीमेंट है, ये जो रिलेशन है, ये नॉन लीनियर है, ये जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर है, ठीक। अब अगर एक ग्राफ आईडी एंड VDS के लिए बनाने की कोशिश, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के लिए बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, अभी बात स्मॉल ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की हो रही है जिसकी वैल्यू समथिंग कुछ मिली वोल्ट में होगी, लेट्स से हमने यहाँ पे कहा 50 मिली वोल्ट। अभी इस पॉइंट को क्लियर रखना, जो भी सारी बातें हो रही है, ठीक है, ये जो ड्रेन टू सोर्स की हम ड्रेन करंट के साथ ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं वो स्मॉल VDS के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जब तुम्हारा VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज काफी स्मॉल है उस टाइम पे हम बात कर रहे हैं इस करेक्टरिस्टिक की, तो उस टाइम पे तुम्हारी जो करंट ID है वो VDS के साथ लीनियरली इंक्रीज होती है, मीनिंग जैसे ही आपने अप्लाई किया ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कुछ इलेक्ट्रॉन लीन मूव करना स्टार्ट कर दिए सोर्स से ड्रेन की तरफ, और जैसे जैसे आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे सोर्स से ड्रेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से करंट तुम्हारी आईडी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या है फॉर स्मॉल VDS, ठीक है। अब फर्दर फर्दर अभी तो हमने स्मॉल VDS की बात की, अब फर्दर अगर हम VDS को इंक्रीज करें, फोर्थ पॉइंट क्या है कि इंक्रीजिंग VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को और ज्यादा अगर हम इंक्रीज करें तो अब क्या चेंजेस आएंगे, तो उन चेंजेस को समझने के लिए से हमारे पास एक ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर के अक्रॉस ऐसे हमने 5 वोल्ट की एक बैटरी लगाई है, इसका एक टर्मिनल जैसे इसको हमने ए टर्मिनल कह दिया, ये ए टर्मिनल हमने ग्राउंड कर दिया, दैट मींस इस टर्मिनल पे वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट है, ठीक, या कहें कि इस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है 0 वोल्ट है, तो इस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना होगा 5 वोल्ट,
और यहाँ पे ऐसी एक करंट आई फ्लो हो रही होगी। अब देखा जाए तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इस टर्मिनल पे वोल्टेज है 5 वोल्ट और जैसे जैसे आप इस पॉइंट बी से टर्मिनल बी से टर्मिनल ए की तरफ बढ़ रहे हैं ये रेजिस्टेंस उस वोल्टेज को रिड्यूस करता जा रहा है ड्रॉप करता जा रहा है। ये रेजिस्टर को ये जो रेजिस्टर है इस वोल्टेज को धीरे धीरे डिक्रीज करता जा रहा है और ए टर्मिनल पे जैसे ये ए टर्मिनल है ए टर्मिनल तक पहुंचते पहुंचते ये वोल्टेज जीरो हो जा रहा है। ठीक हमें पता है V is equal to IR होता है मीनिंग ये जो ड्रॉपिंग वोल्टेज है वो क्या है लीनियरली रिलेटेड है करंट से। ठीक तो मीनिंग जब हम जैसे जैसे बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ बढ़ना शुरू हुए होंगे तो इधर 4 वोल्ट हुआ होगा फिर थोड़ी देर बाद 3 वोल्ट पहुंचा होगा फिर 2 वोल्ट हुआ होगा फिर 1 वोल्ट हुआ होगा फिर 0 होगा मीनिंग ये जो डिक्रीमेंट आ रहा है वोल्टेज में वो लीनियरली हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट मीनिंग हमने कॉन्सेप्ट इतना सा है कि जब किसी रजिस्टर के अक्रॉस हम देखते हैं दो टर्मिनल पे अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है तो वो पोटेंशियल लीनियरली डिक्रीज होता है फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट या ये कहें कि लीनियरली इंक्रीज होता है फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। अगर यहाँ पे एक रजिस्टर है हमारा VA वोल्टेज और ये VB वोल्टेज तो ये लीनियरली इस जब लीनियरली चेंज हो रहा होगा फ्रॉम VA वोल्टेज टू VB वोल्टेज। ठीक है डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वोल्टेज दे रहा हूं ये पॉइंट समझ में आया yes, sir. तो अब यहां पे देखते हैं जो हमने ये चैनल क्रिएट किया ये जो यहाँ पे हमने चैनल क्रिएट किया था ये भी हमारा एक सेमीकंडक्टर से बना हुआ चैनल है। ठीक है सेमीकंडक्टर डिवाइस है इसकी भी अपनी एक रेजिस्टिविटी होगी मीनिंग ये जो एरिया है ये इस एरिया को अगर हम रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करें अगर हम इस एरिया को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करें ना तो हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया अभी तक तो हम स्मॉल वोल्टेज की बात करें स्मॉल वोल्टेज से लेस से हमने वोल्टेज यहां अप्लाई किया है 5 वोल्ट VDS हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया है गेट टू सोर्स वोल्टेज भी हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया है या इसको 6 वोल्ट हमने अप्लाई किया लेस से। ठीक तो अब ध्यान से देखो यहां पे VDS की वैल्यू अगर हमने 5 वोल्ट दी है दैट मींस ड्रेन टर्मिनल पे ये VD की इस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना होगा 5 वोल्ट और यहां सोर्स पे वोल्टेज कितना होगा 0 क्योंकि सोर्स को हमने ऑलरेडी ग्राउंड कर रखा है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये इस एरिया को इस जो चैनल रीजन है इसको हम एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करें तो जैसे हम रेजिस्टेंस में देख पा रहे थे कि जब हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जा रहे थे तो हमारा वोल्टेज लीनियरली चेंज हो रहा था। ठीक है हमारा वोल्टेज लीनियरली चेंज हो रहा था वही कुछ यहाँ पे भी होगा इस यहाँ पे सोर्स साइड पे तुम्हारा वोल्टेज जीरो है ड्रेन साइड पे तुम्हारा वोल्टेज 5 है तो लेट्स से यहाँ बीच में कोई पॉइंट ए है बी है लेट्स से ये सी और ये डी तो ऐसे धीरे धीरे वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ यहाँ पे 1 वोल्ट है यहाँ पे 2 वोल्ट हुआ 3 वोल्ट हुआ 4 वोल्ट हुआ देन ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज 5 वोल्ट इन बस पॉइंट इतना सा है कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वोल्टेज का वो लीनियरली हो रहा है या इधर से इधर अगर हम जाते हैं डी से ए की तरफ जाते हैं जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो भी लीनियरली हो रहा है। नाउ अब अगर हम ये देख पा रहे हैं कि हर टर्मिनल का ये जो वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज हमें दिख रहा है तो उससे यहाँ पे चेंजेस क्या है देखो यहाँ पे जो हमने ये लगाया है ये है बेसिकली मेटल। ठीक अब मेटल से जब हमने गेट टर्मिनल पे ये 6 वोल्ट दिया ठीक तो चाहे इस टर्म पॉइंट पे देखो या इस पॉइंट पे देखो इस पॉइंट पे देखो इस पॉइंट पे देखो सारे पॉइंट्स पे तुम्हें 5 वोल्ट 6 वोल्ट का ही वोल्टेज दिखाई दे रहा है पूरे मेटल पे यहां से लेके यहां तक तुम्हें 6 वोल्ट का ही वोल्टेज दिखाई दे रहा होगा रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो है मेटल है। ठीक तो इस पॉइंट पे भी 6 वोल्ट
यहाँ पे भी 6 वोल्ट, यहाँ पे भी 6 वोल्ट, सब जगह पे 6 वोल्ट ऐसे दिखाई दे रहा है। अब हमें पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो ये चार्ज इंड्यूस्ड होता है वो बेसिकली कैपेसिटर के अक्रॉस जो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, दोनों प्लेट के अक्रॉस जो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे ये ए और ये बी, जो इन दोनों प्लेट के अक्रॉस जो तुमने ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो बैटरी लगाई थी, बैटरी का मतलब क्या है, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक। तो जब इस पोटेंशियल डिफरेंस पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे चार्ज कितना इंड्यूस्ड होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए टर्मिनल पे मेटल प्लेट ये है और सेमीकंडक्टर प्लेट ये है, जो हमारी ए पॉइंट पे, ए टर्मिनल पे या ए पॉइंट पे जो हमारी दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 6-1 यानी 5 वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस। बी पॉइंट पे देखें तो 6-2, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, प्लेट नंबर 1 मतलब ये जो यहाँ पे कैपेसिटर क्रिएट हो रहा है एक मेटल की प्लेट और एक सेमीकंडक्टर की प्लेट की वजह से, जो ये कैपेसिटर क्रिएट हो रहा है हम उस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक। तो बी पॉइंट पे ये पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हो गया, सी पॉइंट पे जब हमने देखा तो 6-3 यानी 3 वोल्ट हो गया, और डी टर्मिनल पे जब हमने देखा तो 6-4 2 वोल्ट हो गया। दैट मींस जैसे जैसे हम सोर्स से ड्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारा पैरेलल प्लेट के बीच में, ये दोनों प्लेट्स के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा रिड्यूस हो रहा है। जैसे जैसे हम सोर्स से ड्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक। दैट मींस अगर हम ये कहें कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है जिसकी वजह से तुम्हारे चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, जिसकी वजह से चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, तो अब यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो पाएंगे, इधर साइड पे इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो 2 वोल्ट मिल रहा है तो इस साइड पे कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो पाएंगे। मीनिंग अभी तक जो चैनल यूनिफॉर्म था, जब हमने स्मॉल वीडीएस अप्लाई किया था तो जो जो चैनल यूनिफॉर्म था अब वो चैनल ऐसे टेपर्ड शेप में हो जाए, ऐसे टेपर्ड शेप में हो जाए, मीनिंग सोर्स साइड पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि जैसे जैसे आप ड्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहा है, जैसे जैसे आप ड्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहा है, ठीक। नाउ अब फर्दर हम ये कहें कि अगर हम इसको 5 वोल्ट से, लेट्स से हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज 6 वोल्ट कर दिया, 5 वोल्ट से हमने इस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को 6 वोल्ट कर दिया, एग्जैक्टली इस ड्रेन टर्मिनल पे, एग्जैक्टली इस ड्रेन टर्मिनल पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें इस मेटल यानी गेट टर्मिनल और इस सेमीकंडक्टर के बीच तो वो कितना आएगा, 6-6 देखा जाए तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा 0 हो गया। दैट मींस अब हमारे पास कोई भी चैनल इस या ड्रेन जहां पे ड्रेन टर्मिनल है वहां पे कोई भी चैनल क्रिएटेड नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ के रिकम्बाइन हो चुके होंगे इस पी टाइप सबस्ट्रेट के होल्स से, ठीक है। लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी यही शो कर रही है कि यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो चुका है, यहाँ से वो होल्स नीचे नहीं जा पाए हैं, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास जो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था वो उतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या था कि जब एक कंडीशन, जब आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे, इनिशियली हमने क्या देखा
कि भाई जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बहुत स्मॉल था तो हमारा चैनल ऐसे यूनिफॉर्म था, ठीक। हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, हमारा जो ये चैनल है ऐसे टेपर्ड शेप में आना स्टार्ट। आप इंक्रीज करते जा रहे थे, वो ऐसे टेपर्ड होता जा रहा था। ये टेपर्ड होने का मतलब क्या है, इधर साइड पे लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन कंपैरिजन टू इस साइड, तभी ये चैनल टेपर्ड शेप में होता जा रहा है, ठीक। एक BDS की एक वैल्यू ऐसी आएगी जहां पे ये वाले रीजन में, इस रीजन में कोई भी चैनल नहीं बचेगा, मीनिंग इस रीजन में वो जो कंडक्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे खत्म हो चुके होंगे, कोई भी कंडक्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल नहीं। उस केस में तुम्हारी जो करंट होगी ID, जो करंट ID जो इधर की ओर फ्लो हो रही है, वो तुम्हारी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जो तुम्हारी करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब उसके बाद फर्दर अगर आपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया तो तुम्हारी करंट ID इंक्रीज नहीं होगी। से अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जब ID हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी करंट ID जो है वो लीनियरली इंक्रीज होती जा रही है, ठीक। कुछ देर बाद यही इंक्रीमेंट नॉन लीनियर हो जाएगा, यही इंक्रीमेंट नॉन लीनियर हो जाएगा, और उसके और ज्यादा इंक्रीज किया ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज तो ये इंक्रीमेंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ये इंक्रीमेंट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। इस पॉइंट को समझना आराम से कि हम कर क्या रहे हैं, जब हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ड्रेन और सोर्स के बीच का वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे हाई ड्रेन साइड पे हाई पॉजिटिव वोल्टेज होने की वजह से गेट और ड्रेन के बीच का, मीनिंग अगर हम कहें VGD, गेट और ड्रेन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक, जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, VGD, ठीक, वो क्या बेसिकली हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ड्रेन और गेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेसिकली डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होते होते अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना कम हो गया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना कम हो गया कि यहाँ पे कोई भी चैनल ही क्रिएट ना रह जाए, यहाँ पे जो चैनल हमने क्रिएट किया था वो चैनल जो इंड्यूस्ड हुआ था अब कोई चैनल बचे ही ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारी जो ड्रेन करंट है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पंच थ्रू कंडीशन। क्या बोलते हैं, पंच थ्रू कंडीशन, कि उस टाइम पे तुम्हारी जो ड्रेन करंट थी वो बेसिकली कांस्टेंट हो चुकी है, एंड ड्रेन टू सोर्स का वो वोल्टेज जिसपे ये करंट जिसपे ये करंट ऐसे कांस्टेंट हुई है, ठीक है, या ये कहें कि जिसपे ये ड्रेन करंट सैचुरेट हुई है उसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं VDS सैट से, उसको हम डिनोट करते हैं VDS सैट से, मीनिंग वो वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स का वो वोल्टेज जिसपे तुम्हारा सैचुरेशन रीजन आ रहा है, ड्रेन टू सोर्स का के बीच का वो वोल्टेज जिसमें तुम्हारी करंट ID सैचुरेट हो जा रही है, ठीक, यानी सैचुरेशन रीजन आ रहा है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को जरा फिर से एक बार बनाते हैं, इनिशियली जब स्मॉल वोल्टेज दिया था, ये ID है और ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज,
तो जब इनिशियली हमने स्मॉल वीडीएस दिया था तो तुम्हारी करंट आईडी वीडीएस के साथ लीनियरली इंक्रीज हो रही थी, ठीक, ये करंट तुम्हारी लीनियरली इंक्रीज हो रही थी। देन ये इंक्रीमेंट थोड़ा सा नॉन लीनियर हुआ और आफ्टर दैट ये ऐसे सैचुरेट हुआ। ड्रेन टू सोर्स की वो वोल्टेज, ये वाला जहां से करंट, ड्रेन करंट तुम्हारी सैचुरेट हुई है, उस वोल्टेज को हमने क्या बताया, वीडीएस सेट। यानी ये वो पॉइंट है जहां से तुम्हारी ड्रेन करंट आगे सैचुरेट हो रही है, जहां पे तुम्हारी जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेट हो रही है। दैट इज वाई इसको हम क्या लिखेंगे, सैचुरेशन रीजन। क्या हो जाएगा, सैचुरेशन। और ये रीजन क्या कहलाएगा, जहां पे तुम्हारी ड्रेन करंट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के साथ चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायोड रीजन या लीनियर रीजन या एक्टिव रीजन। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रायोड रीजन या एक्टिव रीजन या लीनियर रीजन। यहां पे कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए तुम्हारी जो ड्रेन करंट है वो लीनियरली वेरी करती है विद ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। आफ्टर दैट यहाँ पे एक कर्व शेप आ जाता है, बट देन ये ऐसे सैचुरेट हो जाता है। ना, अब ये देखते हैं कि ड्रेन टू सोर्स की वो वैल्यू जिस पे ये सैचुरेट हो रहा है, मीनिंग ये जिसको हमने यहाँ पे वीडीएस सेट लिख दिया है, इसकी वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो हमने क्या कहा कि ड्रेन टू सोर्स की वो वैल्यू जिस पे ये चैनल, ये वाला चैनल, इस चैनल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने कम हो जाए कि यहाँ पे चैनल क्रिएटेड ही ना रह जाए, मीनिंग ये जो चैनल इंड्यूस्ड हुआ था उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जिनको इधर से हमने अट्रैक्ट किया था, वो अट्रैक्शन फोर्स इतना कम हो जाए कि यहाँ पे चैनल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए, यानी चैनल यहाँ से खत्म हो जाए। ठीक, चैनल खत्म हो गया मीनिंग क्या है, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए थे, जिनकी वजह से करंट जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, वो अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो मीनिंग हमें क्या देखना है कि ये जो इस टर्मिनल का जो वोल्टेज है, मीनिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है गेट और ड्रेन के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, अगर ये गेट और ड्रेन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये लेस देन हो गया थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो वोल्टेज है जिससे कम अगर आपने वोल्टेज दिया तो चैनल क्रिएटेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पे जब हम देख रहे हैं कि अगर गेट और ड्रेन के बीच का वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे चैनल क्रिएट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि एक कंडीशन ये बताई थी, एक कंडीशन ये बता रहे। ठीक है, ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन थी कि तुम कैसे चैनल क्रिएट करते हो। तुमने जैसे ही गेट टू सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन दे दिया थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, तुम्हारा चैनल क्रिएट हो गया। ठीक, उससे कम दिया अगर तुमने, गेट टू सोर्स वोल्टेज से लेस देन दिया तुमने, वीजीएस लेस देन है तुम्हारा वीटी से, तो तुम्हारा चैनल ही क्रिएट नहीं होगा। ठीक, और ये कंडीशन क्या कह रही है कि तुमने चैनल तो इनिशियली क्रिएट किया, उसके बाद जब तुमने ड्रेन के साइड का वोल्टेज इंक्रीज करते ही जा रहे हो तो हो क्या रहा है कि ड्रेन टर्मिनल की साइड पे जो ये गेट और ड्रेन के बीच का जो गेट और ड्रेन के बीच का जो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है,
वो काफी ज्यादा रिड्यूस होता जा रहा है। जैसे जैसे आप ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज आप इंक्रीज कर रहे हो, देखो इस टर्मिनल को अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा देते रहोगे, इसका वोल्टेज पॉजिटिवली इंक्रीज करोगे, तो इस टर्म यहाँ का और गेट का, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिक्रीज होगा, और वो डिक्रीमेंट होते होते अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से नीचे चला गया, अगर ये डिक्रीमेंट होते होते थ्रेशोल्ड वोल्टेज से नीचे चला गया, तो यहाँ पे कोई भी चैनल नहीं बचेगा जिससे करंट पास हो सके। यहाँ पे कोई भी चैनल नहीं बचेगा जिससे तुम्हारी करंट यहाँ पे पास हो सके। बट यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की अवेलेबिलिटी की वजह से करंट जीरो नहीं होगी। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से करंट तुम्हारी जीरो नहीं होगी, एक कांस्टेंट करंट यहाँ पे फ्लो होती रहेगी। यहाँ पे करंट जीरो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की अवेलेबिलिटी की वजह से कांस्टेंट करंट यहाँ पे फ्लो होती रहेगी। ठीक, तो हमने क्या बात की कि वी जी डी लेस देन वी टी हो जाएगा, तो तुम्हारा इस टाइम पे तुम्हारा क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, तुम्हारी पंच थ्रू कंडीशन आ जाएगी। बेसिकली क्या है, तुम्हारी पंच थ्रू कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, मीनिंग ड्रेन की साइड पे चैनल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका, या ये कहें ये वो कंडीशन है जिसमें सैचुरेशन रीजन आ जाएगा। ये वो कंडीशन है जिसमें सैचुरेशन रीजन आ जाएगा। या इसको क्या देख सकते हो, देखो इस वाले को VG माइनस VD अगर इक्वल टू हो गया VT के, ठीक, तो एग्जैक्टली आप एज पे होगे जब ये वो जब ये गेट टू ड्रेन वोल्टेज एग्जैक्टली इक्वल टू है थ्रेशोल्ड वोल्टेज के, तब आप इस एज पे होगे, मीनिंग आप एक्टिव रीजन से बस सैचुरेशन रीजन में पहुंच ही रहेंगे, मीनिंग जहां से ये चेंजेस आ रहा है, मतलब एक्टिव रीजन से जहां आप सैचुरेशन रीजन से में एंटर कर रहे हो, जहां से आपकी करंट कांस्टेंट हो रही होगी, वो एग्जैक्ट पॉइंट कहां पे होगा, जब गेट टू ड्रेन वोल्टेज तुम्हारा इक्वल टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा, मीनिंग जो ये सिचुएशन है, ठीक, जब आप सैचुरेशन रीजन में, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, एज ऑफ एक्टिव रीजन या एज ऑफ सैचुरेशन रीजन। ठीक है, मीनिंग अगर वीजीडी ग्रेटर देन वीटी हो गया तो इधर आ गए एक्टिव रीजन में, वीजीडी मतलब ड्रेन टू गेट का वोल्टेज लेस देन वीटी हो गया तो सैचुरेशन रीजन में। अच्छा, अब इस वोल्टेज को अगर थोड़ा सा और स्पेसिफाई करें, वी जी डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी जी माइनस वी डी या वी जी माइनस वी एस माइनस वी डी माइनस वी एस। ठीक है, मीनिंग हमने क्या किया है, ये वी एस वोल्टेज को प्लस और माइनस कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी इक्वेशन पे, तो ये क्या हो गया, वी जी एस माइनस VDS, और ये पूरा किसके इक्वल टू है, VT के। ठीक है, उस टाइम पे जब ये इक्वल टू ये वैल्यू, ये VGD की वैल्यू जब इक्वल टू होगी VT के, उस टाइम पे हम कहां पे होंगे, एज ऑफ सैचुरेशन पे, meaning VGS minus
उस टाइम पे ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कितना होगा, VDS सेट के बराबर इज इक्वल टू VT. दैट मींस VDS सेट की जो वैल्यू है वो क्या है, VGS माइनस VT की जो वैल्यू है वो कितनी है, VGS माइनस VT. मीनिंग अगर आपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू, VDS की वैल्यू आपने ग्रेटर देन रखी VGS माइनस VT से, तो आप सैचुरेशन रीजन में आ जाएंगे. ठीक. और अगर आपने ड्रेन टू सोर्स की वैल्यू लेस देन रखी VGS माइनस VT से, तो आप एक्टिव रीजन में रहेंगे. ठीक है, तो आप कहां रहेंगे, एक्टिव रीजन में रहेंगे. अब ध्यान से देखो, तो ये VGS माइनस VT को अभी हमने एक नाम दिया था, क्या था वो, ओवरड्राइव वोल्टेज. तो मीनिंग ओवरड्राइव वोल्टेज वो वोल्टेज है जिससे अगर आपने ग्रेटर देन किया ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को, अगर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ओवरड्राइव वोल्टेज से ग्रेटर देन है, तो आप किस रीजन में होंगे, सैचुरेशन रीजन. और अगर अगर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपके ओवरड्राइव वोल्टेज से लेस देन है, तो आप किसमें, एक्टिव वोल्टेज में काम कर रहे हैं. ठीक. तो अगर हम यहां से मॉस्फेट की कंडीशंस को डिफाइन करने की कोशिश करें, तो VGS जब ग्रेट सॉरी VGS जब लेस देन होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो तुम्हारा मॉस्फेट कट ऑफ रीजन में काम करेगा. VGS जब ग्रेटर देन और इक्वल टू VT होगा एंड VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लेस देन होगा VGS माइनस VT के, तो उस टाइम पे तुम्हारा जो मॉस्फेट होगा वो एक्टिव रीजन में काम करेगा. एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या हो सकता है, कि तुम्हारा VGS ग्रेटर देन और इक्वल टू हो VT के एंड VDS ग्रेटर देन हो VGS माइनस VT के, तो उस टाइम पे ये सैचुरेशन रीजन में काम करेगा. सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, और इस डिस्कशन में कहीं पे भी किसी को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा हो तो वो अपना डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें हो गई हैं. तो इन केस अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो क्लियर कर लो.
सभी की अटेंडेंस मार्क हो गई? यस सर। तो मीटिंग एंड करते हैं।